बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आई होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और रमज़ान शरीफ अभी चल रहा है और आज आई थिंक मैं समझता हूँ कि फर्स्ट अशरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो आई होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़े भी रख रहे होंगे सारे, जो भी है मतलब इंशा, और आपको अल्लाह ताला तौफीक भी दे जो रोज़े नहीं रख रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे इस माह रमज़ान में हमारे लिए भी दुआ करना। सो गाइस, मेरे हाथ में जो ये पेपर है, ये क्लास मैट्रिक का गेस पेपर मैंने निकाला है। हर साल की तरह इस साल भी रवायतों को तोड़कर मैंने ये गेस पेपर निकाला है। हर साल निकालता हूँ गेस पेपर, लेकिन इस साल जो है ये रमज़ान ऑफर है आपके लिए। कौन सी रमज़ान ऑफर? गेस पेपर के साथ साथ जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए वो मैं आपको इस बोर्ड पे समझाऊंगा। रोज़ानों की बुनियाद पर आपको क्वेश्चन जो ये दिए गए वो आपको मैं समझाऊंगा। वैसे तो मैं गेस पेपर बना के बच्चों को दे देता था, भाई चलो ये आपको मतलब याद कर दें, साल पर जो क्वेश्चन याद करने के हिसाब से होंगे वो आपको मैं बताऊंगा कि ये आपको याद करने हैं, और जो समझाने वाली बात होगी वो मैं बोर्ड पर आपको समझा दूंगा, और जो ट्रिक्स होंगी वो भी उन हवाले से भी मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हाइड्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजन एंड वाटर में फर्स्ट नंबर सवाल है, डिफाइन आइसोटोप, डिस्कस वेरियस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड कमर्शियल फ्रॉम नेचुरल गैस कोक स्टीम प्रोसेस। ये भी है उनके हवाले से डिफरेंट प्रिपरेशन मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आइसोटोप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि लेबोरेटरी में हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो गाइस, यहां देखें, जिंक के साथ अगर एसिड, जिंक का एसिड के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और जिंक का सल्फर के एसिड के साथ भी अगर रिएक्शन करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। आयरन का एसिड के साथ फिर भी हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। मैग्नीशियम का एसिड के साथ रिएक्शन होगा, तो इट मींस रिएक्शन विथ मेटल्स, जो मेटल है उनके साथ रिएक्शन होगा तो हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। ये मैं आपको रमजान ऑफर एज ए गिफ्ट दे रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनके हवाले से रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ भी अगर रिएक्शन होगा, जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम का जब रिएक्शन होगा तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जो गैस पेपर में सवाल दिया गया है वो ये सामने, ये मैंने आपको मतलब हिंट दे दी। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको ये बताता चलूं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस कभी कभार ये पूछा जाता है कि कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में पहले बताया गया है के स्टीम कोक प्रोसेस फ्रॉम नेचुरल गैस स्टीम प्रोसेस। नेचुरल गैस इट मींस मीथेन CH4, स्टीम इट मींस H2O। सो गाइस, यहां मीथेन का स्टीम के साथ जब वाटर के सॉरी गैस के साथ स्टीम के साथ निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में 900 से लेकर 1100 तक रिएक्शन होगा तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये बनेगी वाटर गैस प्यारे बच्चों। और ये जो वाटर गैस है ना, इसमें से ये हाइड्रोजन गैस प्योर नहीं है, तो हमें हाइड्रोजन गैस प्योर चाहिए। तो प्योर के लिए हम क्या करेंगे, आगे स्टेप है, आगे मैंने स्टेप दे रखा है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब रिएक्शन वाटर गैस का रिएक्शन कराएंगे हम जब वाटर के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन गैस मैंने दिए ये आपको प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ये आपको प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। उनके हवाले से थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मीथेन, थर्मल का मतलब है हीट, डीकंपोजिशन ऑफ मीथेन, मीथेन का टूटना, डीकंपोज होना, जब मीथेन टूटेगी तो जाहिर बात है कार्बन और हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। 700 से अबो हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और भी प्रोसेस हैं लेकिन मैं जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि टाइम इतना मेरे पास नहीं है। जो सवाल गैस पेपर में होंगे वो ही हम हल करेंगे।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, ये भी एक्स्ट्रा दे रखा है। कभी कभार हो जाता है, अगर अगर पूछे तो आप बता सकते हैं आराम से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। मैंने पहले इस पे बता दिया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है। इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वो है जो केमिकली डिकम्पोजिशन हो इलेक्ट्रोलाइट की। फॉर एग्जाम्पल NaCl डिकम्पोज हो, HCl डिकम्पोज हो, NaCl N प्लस और Cl में डिकम्पोज हो, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो। सो गाइस कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो इलेक्ट्रिक ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी जब हम करंट उनको दें तो वो डिकम्पोज हो, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। जब वाटर को हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। और उनके अलावा क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर वन था, डिफाइन आइसोटोप्स, डिस्कस वेरियस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जरा यहां देखें, आइसोटोप का मतलब ये है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो फ्रेडरिक सोडी साइंटिस्ट था, कुछ बुक्स लिखते हैं 1913 कुछ लिखते हैं 1914। सो गाइस आइसोटोप का जिक्र फ्रेडरिक सोडी साइंटिस्ट ने दिया था, जिस एटम के सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो, एटॉमिक नंबर उसका सेम हो बट एटॉमिक मास चेंज हो तो हम उसको आइसोटोप कहते हैं। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप थे वो आप आइसोटोप वैसे भी सिंपल फंडा है, इतना टफ नहीं है, आप उसको याद कर सकते हैं। और उनके अलावा क्वेश्चन नंबर थ्री है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, एक्सप्लेन क्लार्क्स मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस। ये कल हम डिस्कस करेंगे, थ्री और फोर जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर कोई डिफिकल्टी हो, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से मैं पहले भी काफी मरतबा ये कह चुका हूँ कि सवाल करने से 40% बच्चों की स्टडी कंप्लीट होती है। सो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें इंफॉर्मेशन जितना हो सके, अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब शेयर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। तो हम याद रखिएगा अलैने के बाद।